की राजधानी दिल्ली में नहीं है महिलाएं सुरक्षित। पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार सामने आ रही है छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं। ताज़ा मामला रोनी इलाके का है, जहां एक 12 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग बच्ची के साथ न सिर्फ हैवानियत की गई बल्कि दुष्कर्म का वीडियो बनाकर वायरल तक कर दिया गया, जिसके बाद जब आपत्तिजनक वीडियो को परिवार ने देखा तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। बहरहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और मामले की तस्दीक में जुट गई है। अपनी मां के कलेजे से लगी ये 12 साल की मासूम पलक बदला हुआ नाम है, जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग भी है। इसे शायद पता नहीं कि इसके साथ क्या और कैसे हैवानियत हुई है, और इसके साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी इस मासूम के पिता की उम्र का है और पड़ोस में ही रहता है। पीड़ित परिवार सहित मंगोलपुरी कला गाँव में रहती है। पीड़ित के पिता निजी कंपनी में कार्य करते हैं। पीड़ित बच्ची दिव्यांग होने के कारण स्कूल में नहीं जाती। पीड़ित की मां ने बताया कि परिवार के पड़ोस में बंटी नाम का एक शख्स भी रहता है, जो बीते कुछ दिन पहले पीड़ित बच्ची को लालच देकर अपने साथ ले गया और इलाके में बने सामूहिक भवन बरातघर में उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और उसके बाद कुछ साथियों ने वहाँ पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और कई दिन पहले दुष्कर्म के वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया, जिसके बाद बीते शनिवार की शाम को बच्ची का आपत्तिजनक वीडियो पीड़ित की मां के पास पहुंचा, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर पीड़ित परिवार ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की जानकारी होने पर बीती सोमवार को रोनी साउथ पुलिस ने पोस्को दुष्कर्म व IIT एक्ट की धारा FIR दर्ज कर और वारदात के मुख्य आरोपी समेत वीडियो बनाने वाले युवक व अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। पीड़ित बच्ची का परिवार अब डर के साए में है और उनका आरोप है कि आरोपियों के परिजन पीड़ित के घर आकर उन्हें डरा धमका रहे हैं, साथ ही उन्हें परिवार सहित जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, साथ ही लोभ देकर भी मुकदमा वापसी लेने की बात कह रहे हैं। बहरहाल साउथ रोनी थाना पुलिस ने इस हैवानियत के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से बलात्कार की खबरें आ रही हैं, वे सच में महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर चिंता का विषय है। तो मतलब परसों ये पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ बात हुई है, तो उसकी वीडियो भी बनी हुई है, तो नीचे जाके मेरी लड़ाई भी हुई सबसे, फिर मैंने कंप्लेंट की, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा एक्शन लिया। ये नहीं है कि उन्होंने नहीं कुछ किया, थाने वालों ने भी बहुत सही किया है। अब वो सब वो है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि उनको मेरी लड़की को इंसाफ मिले बस। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? इसकी उम्र अभी 12 की होगी, 13 की हो गई है। तो क्या मन बुद्धि है बचपन से? क्या बचपन से पढ़ी लिखी है? नहीं। उस लड़के का मंती कहाँ ले गया था बेटा आपको? आप गए थे कि वो लेके गया था? कैसे थे? वो लेके गया था। क्या बोला? और पैसे दूंगा नहीं। दिल्ली से इस्लामुद्दीन की रिपोर्ट। भाग चला जा भाग।